नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज हम भारतीय संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत कहा गया है। अगला प्रश्न, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरकार का संघीय स्वरूप। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व होता है। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है, मतलब संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला प्रश्न, लक्का द्वीप, मिनी कोय और अमीन द्वीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1973। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीवन का अधिकार। दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के बारे में बताया गया है। ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार का व्याख्या की गई है और जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार होता है और ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1976। और 1976 में संविधान का कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 42वां। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1949। इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान का कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्यों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण दिन है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ठीक 2 महीने बाद संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, B.N. राव। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की संविधान के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस वक्त संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और 9 दिसंबर के 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फिर से बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया और साथ ही
बी एन राव को संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा मात्र 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बने थे और बी एन राव भारतीय संविधान की सलाहकार बने थे, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संघीय प्रणाली। तो देखिए, संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है, जिनमें कि एक निम्न सदन और दूसरा होता है उच्च सदन। निम्न सदन होता है लोकसभा, जो कि आप जानते ही हैं, और उच्च सदन होता है राज्यसभा। निम्न सदन यानी कि लोकसभा वो अस्थाई सदन होता है, और वहीं पर बात करें उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, ये राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। दोस्तों, निम्न सदन यानी कि लोकसभा ये जनता का प्रतिनिधित्व होता है और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा ये प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समाजवादी राज्य। अगला प्रश्न, इनमें से भारत एक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र। तो देखिए, भारत एक लोकतंत्र है, और दोस्तों लोकतंत्र का अंग्रेजी में मतलब होता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको बता दें कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द है जिसे डेमोस कहते हैं। ग्रीक शब्द में एक शब्द है डेमोस, और डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण, और इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, और हिंदी में क्या कहते हैं? लोकतंत्र। और अपना भारत लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।